लीजिए, बहुत हुआ, अब उठा देते हैं इस सस्पेंस के चेहरे से पर्दा और दिखाते हैं आपको कि सूटेड बूटेड बन ऋषि मकाओ में किससे शादी कर रहे हैं। क्यों चौक गए रा? अजय हम भी चौक गए थे इस खूबसूरत व्हाइट वेडिंग गाउन में हिटलर दीदी को देखकर, इनकी वेडिंग देखकर, और वो भी वेडिंग इन मकाओ। मकाओ आते ही हिटलर दीदी की शादी हो गई। हिटलर दीदी बताइए ये सब कैसे हुआ? और आप बहुत खूबसूरत लग रही, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। वैसे दूल्हे राजा भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और ये बताइए ये अचानक हुआ कैसे? पहले हस्बैंड वाइफ हो गए आप लोग, आज मैन एंड वाइफ। ये एक सरप्राइज पैकेज है जो आप लोग देखेंगे एपिसोड्स में, अभी हम रिवील नहीं करना चाहते। हिटलर दीदी आप अपने सरप्राइज को अपनी पोटली में रखिए, लेकिन हम तो ऑडियंस को बता ही देंगे कि आपकी और ऋषि की ये कैथोलिक वेडिंग आपकी बहन मंदिरा की वजह से हुई है। मकाओ में मंदिरा को ढूंढते हुए दोनों किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए हिटलर दीदी को ऋषि की दुल्हन बनना ही पड़ता है। और देखिए देखिए जरा दुल्हन बनकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और तो और इस दुल्हन की तारीफ करने में शो की प्रोड्यूसर भी पीछे नहीं। Hitler and Rishi are looking fabulous and I hope it translates into high TRPs for us, but it's going to be a very exciting 2-3 episodes in Macau that we've shot and we are written. Macau. लेकिन एक बात ना जमी नहीं जी, अजी इतनी खूबसूरत दुल्हन के लिबास में भी हिटलर दीदी की हेकड़ी नहीं गई। अरे आज तो दुल्हन की तरह थोड़ा सा शर्मा लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। दूल्हे राजा ऋषि ने पास आने की कोशिश की नहीं कि थप्पड़ के लिए उठ गया हिटलर दीदी का हाथ। बस बस इंदिरा थोड़ा तो रहम करो ऋषि पर, आखिर अब तो वो आपके एजी ओजी होने वाले हैं जी। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ अनुपमा राय, मकाओ आज तक। चीन क्यों जाएंगे? वो कहा है ना, वो जो हमारी हिटलर दीदी है ना, वो वहाँ पे एक नाव चला रही है, तो हम सोच रहे थे कि हम। पिंटू जी वो नाव नहीं गंडोला है, और अब आप दीदी के पीछे भी जाएंगे? जाने दीजिए उनको, अकेले में अच्छे से सैर करने दीजिए पिंटू जी। लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों जवानी। भूल गई हूँ मैं जवानी। रोमांटिक जगह में कोई दो लड़कियों के, मतलब एक लड़की के साथ घूमा जाता है क्या? जवानी कहानी बन के रह गई है मैं। जी यार रति काफी रोमांटिक हो रही है, बताइए रति इतनी रोमांटिक हो रही है, इतना तो कभी हिटलर दीदी का अच्छे मूड में नहीं देखा है। अरे अभी तो मैं हिटलर के मूड में भी नहीं हूँ, इतनी रोमांटिक, इतना अच्छा मतलब फील हो रहा है मुझे गंडोला में बैठकर स्पेशली। और मैं जब से मकाओ आई हूँ तब से मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पे बैठूंगी जरूर, एक सैर पे जाऊंगी जरूर। लड़का पसंद आ रहा है आप लोगों को मकाओ में? सारी के सारे तो सेम ही दिखते हैं, मैं क्या बोलूँ अब, कौन सा पसंद आएगा? We can't differentiate, फर्क नहीं पता लगा, सारे भाई बहन ही लगते हैं। So, लड़कों से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी यहाँ लड़कियाँ बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग है, दे आर रियली गॉर्जियस। तरह का इल्यूजन है, अब आप जब चलेंगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये मूव कर रहा है आपके साथ। बहुत ही ठंडा पानी जॉर्जिया। मैं आपको एक बॉल
बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी से मिलवाना चाहूंगी जो इस नाव को सेल कर रही है. उसका नाम है जॉर्जिया एंड शी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू. ब्यूटीफुल सॉन्ग जॉर्जिया, विल यू सिंग? जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग. एनी सॉन्ग यू वांट. ओके, दिस ट्रेडिशनल इटालियन सॉन्ग फॉर यू. ओके. Che bella cosa, o sole mia, stai in fronte a te. Love you, baby. Sole mia. Hamari country mein bhi sole mia wale ga rahe hain. Sole mia. Sole mia. Aur Georgia ke is romantic sur ke baad Hitler didi ne bhi apna favorite romantic gana gungunaya. Da jaane ke main fida hoon. Khuda jaane main mit gaya. और इसी तरह रोमांस के गंडोला में तैरते तैरते हिटलर दीदी और मंदिरा का ये सुहाना सफर खत्म हुआ. तो चलिए, जितना मजा हिटलर दीदी और उनकी बहन को आया उतना ही मजा आज तक की टीम को भी आया इनके साथ शूट करके और इस गंडोला राइड में. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ अनुपमा राय, मकाऊ.